नारेबाजी की आंच जेएनयू से होते हुए अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुलगने लगी है, लेकिन एक साल से दिल्ली पुलिस जेएनयू के मामले की जांच पूरी नहीं कर पाई। जेएनयू में कथित देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए अभी जांच चल रही है। कन्हैया कुमार को क्लीन चिट मिलने की खबरों पर सवाल किए जाने पर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक चुप्पी साध गए। डीयू की छात्रा गुरमेहर के मामले में पुलिस का कहना है कि केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई, लेकिन उनके पास अभी सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। लेकिन चार्जशीट को लेकर बैकफुट पर यहां दिल्ली पुलिस, क्योंकि एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक चार्जशीट तैयार नहीं हो पाई, और इसको लेकर कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम बातों की जानकारी दी गई। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कन्हैया कुमार को क्लीन चिट मिल गई, तो इस पर चुप्पी साध गए प्रवक्ता। दिल्ली पुलिस के पीआरओ दीपेंद्र पाठक इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। खबरें चल रही हैं जेएनयू केस के बारे में, वो अनुमान के आधार पर हैं। यह केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है, यह एक सेंसिटिव केस है। इस स्टेज पे हम किसी भी तरह के अनुमान या स्पेकुलेशन में ना पड़ें और वेट करें केस के को फाइनल स्टेज के पहुंचने तक। तो क्या ये सर बात गलत है कि कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दी गई है? देखिए, इट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज टू कमेंट बियॉन्ड व्हाट आई हैव सेड। जो मैंने कहा है उसके अलावा अभी ये स्टेज नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं। You see, the complaint and the video and all the facts and circumstances which has come to police is we are examining it and we will take prompt appropriate action. You see, immediately after the registration of the case, the snapshot which has been submitted to the police, so we are examining that. कंप्लेंट में एक स्क्रीनशॉट है और उसकी कॉपी है, और उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सोशल मीडिया का और क्या किस स्टेज में कौन लोग हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्दी ही हम इस तक पहुंच जाएंगे और कंप्लेनेंट से भी हम बात करेंगे।